सुबह के बाद इतना खतरनाक आदबा हुआ, इतना खतरनाक बादल वादल फटके जो पानी आया था ना बार और आया, ये खुद ही से बोलता है हेलो गाइस, ये वहां से सामने वाला कोई जवाब भी नहीं दे रहा और ये बोले जा रहा है भैया। मतलब देख लो पूरा टोटल 10 साल का एक ही बार में बता दिया। चलिए अब सीधा चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। हरे हरे बम बोले बोल बम। जैसे ये पत्थर इस मंदिर का रक्षा कर रहा है ना, बस वैसे ही भगवान हमारा रक्षा करते रहे। हेलो नमस्कार, कैसे हो, करता हूँ क्या मेरी तरफ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहिएगा। गाइस आज ये दूसरा दिन है, मतलब एक दिन हम लोग कल में रेस्ट किए थे, क्योंकि अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब था कल में। इतना हालत खराब था ना भाई कि कुछ करने का मन नहीं, वॉमिटिंग सारा कुछ ही एक साथ हो रहा था, मतलब कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा था, उसके खाली दिन भर सोया था। और आज है नेक्स्ट डे, आज सुबह 5 बजे का उठे हुए है और लाइन पे लगे हुए हैं। यहाँ पे देख लो महादेव का दर्शन करने आए हैं, केदारनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं। और वहाँ पे लगभग हम लोग थे 5 बजे करीब में, 5 बजे वहाँ से लाइन में लगे थे, वहाँ से अभी लगभग थोड़ा सा आगे आए हैं। तो चलते हैं अमन भाई के वहाँ पे। और ये देख रहे हो सुबह, तो मतलब ये देख लो मेरा हालत, सुबह ऐसा हालत में मैं घूम रहा था, मतलब 2-3 जैकेट वगैरह सारा कुछ लगाने के बाद। और अभी जैसे सूरज जी प्रकट हो चुके हैं ना, तो उसके बाद जाके थोड़ा सा हमें आराम मिला, थोड़ा सा धूप लगा, थोड़ा सा शरीर गर्म हुआ, तो उसके बाद जाके हम जो है ये ड्रेस चेंज करके आए, पूरा फ्रेश होना सब कुछ हो गया है। 2 बंदे हुए ना तो यही फायदा है, मतलब एक बंदा लाइन में था, एक बंदा जाके रेडी हो जा रहा था। ऑलमोस्ट 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे में लगभग हम लोग 20 या 25 कदम ही आगे बढ़े हैं। इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि यहाँ से आप लोग देख लो, यहाँ से केदार बाबा का आपको मर्दिन दिख रहा है, ये देख लो। वैसे तो हम लोग लगभग 5 बजे उठे थे, लेकिन 5 बजे उठ के मैं अमन भाई को लाइन में लगने के लिए बोल दिया था और मैं चला गया था रजिस्ट्रेशन करने, क्योंकि हम है भैया ब्लॉगर और एडवेंचर करना है, तो फिर कुछ भी करा के मत जाओ, ऑन द स्पॉट सारा कुछ कराओ। तो यहाँ पे आप टाइम देख लो, 5:34 पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाए थे और अभी लगभग 9 बजने वाला है भाई, 4 घंटे होने वाले हैं लाइन में खड़ा, लगभग 25 या 30 कदम हम लोग आगे बढ़े होंगे, बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है। यहाँ पे हमारे साथ देखो अंकल इतने एजेड हैं फिर भी लाइन में लगे हुए हैं, और बाकी लोगों को मैं देख रहा हूँ जो लाइन आगे दोस्त लोग हैं, तो भैया घुसा लो ऐसे करते करते ना बहुत लोग घुसा रहे हैं, तो ऐसे मत किया करो भाई, यहाँ पे आके श्रद्धा है तो श्रद्धा से आराम से पूजा पाठ करो, आराम से घूमो फिरो मौज करो, और क्या है ना, आराम से भगवान जी से आशीर्वाद लो, ऐसे चीटिंग बाजी क्यों करना है, क्यों अमन भाई सही बोले ना। बिल्कुल और क्या चल रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे रेगुलर अपडेट रहता है, प्लस इंस्टाग्राम में तो हम आपको ऑलरेडी दर्शन वगैरह सारा कुछ करवा दिए। क्या कर रहे हो यार, कहाँ से आ रहे हो भैया? हरियाणा से। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी ये फोन में क्या कर रहा है आपको मालूम चल रहा है? ये कॉलिंग कर रहा है लेकिन वीडियो में बात किससे कर रहा है? नहीं ऐसे ऐसे करके बात करता ना, हेलो गाइस यू क्या ऐसे ही बोलता है, ऐसे पगला है ना, पगला है। अमन भाई, हाँ भाई, you have got man or what? खुद ही से बोलता है हेलो गाइस, ये वहां से सामने वाला कोई जवाब भी नहीं दे रहा और ये बोले जा रहा है भैया पीछे से ब्लॉग कर रहा है ना, भैया देख देख के पूरा मजा ले रहे हैं। यहाँ पे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखे हैं, उन सबको कोशिश कर रहे हैं कि एक बार दर्शन करा दें ऑनलाइन, ऐसे ही फोन ही के थ्रू, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अब वो आ नहीं सकते, तो हम यहीं से दर्शन कराने की कोशिश करते हैं, लाइव दर्शन। फोटोज वगैरह से तो अच्छा है ना लाइव दर्शन, तो वही अब इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो कर लो भाई, देखने वहाँ पे सब कुछ एकदम अच्छे से दिख लेता है। ये देख लो भाई यहाँ के नजारे, वहाँ पे है केदार बाबा का मंदिर। एक्चुअली हम सोच रहे जितने भी हमारे इंस्टाग्राम में व्यूअर लोग हैं, सब्सक्राइबर लोग हैं, सबको जितने ज्यादा हो सके हम लोग दर्शन करवा दे, तो वीडियो कॉल कर रहे हैं तो दर्शन करवा रहे हैं। उतना दूर से लाइन लगे हुए आ रहे थे, अब जाके यहाँ पे टोकन जो है ना, ये टोकन ये हमारा यहाँ पे जमा होगा, तभी हमें परमिशन मिलेगा आगे जाने का। लगभग वहाँ से भी आने में आधा घंटा, क्यों भैया मजा आ रहा है ना हमें? मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है हमें, हर हर महादेव। लेकिन बीच में गलत कर रहे हैं, बीच बीच में बंदे घुस रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये ले लोगे क्या आप? अच्छा तो हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, हम लोग टोकन लिए है, टोकन ही ले लिए, नहीं वो हमने टोकन तो ले लिया, वो अब हमारे पास कोई सबूत ही नहीं रहा कि हम टोकन क्या यहाँ से भी बाहर भी होता है। अच्छा हम उसने वीडियो बना ले रहे हैं, हमने टोकन दिया है। जितना भी हम लोग को मौका मिल रहा है ना, जिसको जिसको भोलेनाथ का दर्शन करवा दे, केदारनाथ बाबा का दर्शन करवा दे, उनको करवा रहे हैं। अभी देखो व्हाट्सएप में एक और कॉल आ चुका है, तो इनको एक्सेप्ट करते हैं, इनको दिखाते हैं। हर हर महादेव, हर
प्रसाद वगैरह सारा कुछ ले लिया है। और कुछ देर बाद देखना, ये जितना भी आप लोगों को पहाड़ दिख रहा है ना, बर्फ वाले चादर, ये कुछ भी नहीं दिखाई देंगे, बादल पूरा ढक लेगा, क्योंकि क्योंकि धूप इतना है, मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होने के बाद वाटर पेपर बन के निकल रहा है, उसकी वजह से बादल बन रहा है। तो वहाँ पे देख रहे हो बादल क्या शानदार बना हुआ है, वो देखो, ये देख लो। अभी ये कुछ देर बाद जाके ये भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा, एक डेढ़ घंटे लगेंगे और बाबा जी का दर्शन हो ही जाएगा। चलते हैं आगे आगे, लाइन पे मजा आ रहा है, भक्तों का एकदम क्रेज नेक्स्ट लेवल है भाई यहाँ पे। और जितना ज्यादा हो सके सबको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, फैमिली से लेकर दोस्तों से लेकर सब्सक्राइबर से लेकर सभी को। हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग 6 घंटे का पैदल यात्रा में हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बाबा के पास। ये 5-6 घंटे लग रहे हैं, अभी सुकून मिल रहा है ना, बाबा सामने एकदम ना, एकदम यार, आप लोगों मजा आ रहा है एकदम। तो चलिए अब सीधा चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। हरे हरे भीम बम वाले, बोल बम, मोबाइल अलाउ नहीं है तो मोबाइल रखते हैं अंदर। कैसा लगा आपको दर्शन करके? बढ़िया लगा ना एकदम। लोगों को बोलोगे ना आओगे आने के लिए? बोलेंगे, सबको आना चाहिए। और आप कहाँ से आए हैं? पटियाला से आए। क्या बात है, तो अभी हम लोग दर्शन वगैरह सारा कुछ यहाँ से करते हुए यहाँ निकल के, मैं इस मंदिर में भी गया था, इस मंदिर में भी पूजा पाठ करके अभी बाहर आया हूँ। अभी मैं आपको एक अनोखा चीज दिखाने वाला हूँ, ऐसे तो आई नो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम दिखाने का कोशिश करते हैं। तब 2013 में जब आपदा आई थी ना, वहाँ से पूरा 20-22 किलोमीटर उधर से ना बादल जो है ना वो फट गए थे, फटने के बाद पूरा बाहर आ गया था, आपदा आ गया था। तो यहाँ का जितना एरिया है ना, ये सारा एरिया को ना बहा के लेके चला गया। अब मंदिर भी चला ही जाता, लेकिन ये जो पत्थर है ना, इस पत्थर ने सेव कर लिया था गाइस। ये पत्थर का रिसर्च किया गया तो लगभग 4-5 किलोमीटर का रेंज में ना ऐसा कोई पत्थर ही नहीं है, ठीक है ना। ये पत्थर जमीन से निकला हुआ है और मंदिर को बचाया था। लोग आए हैं, पत्थर का भी आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि ये कोई करिश्मा से कम नहीं है, कोई भगवान से कम नहीं है, ठीक है। जैसे ये पत्थर इस मंदिर का रक्षा कर रहा है ना, बस वैसे ही भगवान हमारा रक्षा करते रहे। इस मंदिर का अंदर जाने के बाद ना भाई, वो फीलिंग हम आपको बता नहीं सकते, कैसा फीलिंग था कैसा नहीं, और वीडियो तो अलाउ भी नहीं था, तो वो दिखा भी नहीं सकते। लेकिन मैं खुद चाहूंगा, मैं खुद भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी एक बार एक दिन आओ और भगवान जी से आशीर्वाद लो, आओ यहाँ पे घूमो फिरो। और सामने से देखो भाई, एकदम चमक आंखों में ना, एकदम चमक आ जाती है मंदिर में, अगर आप भगवान जी को देखोगे वहाँ पे, जो भगवान जी है उनको देख के एकदम चमक आ जाती है। भैरव बाबा के दर्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग का मनोकामना जो है ना वो पूरा नहीं होगा। इच्छा तो है हर एक साल में कोई ना कोई देव भूमि, कोई ना कोई देव यात्रा किया जाए, बस भगवान ऐसे ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखे। बाकी गाइस मैं तो दुआ कर रहा हूँ, दुआ आप लोग का ड्रीम फुलफिल हो, मैं आप लोग सबके लिए ब्लेसिंग मांग लिया हूँ, ठीक। आप लोग सोच रहे हो गाइस, 2013 में जब ये आपदा आई थी, यहाँ से पूरा बारिश पानी एकदम ऐसा लहर के लेके गया, तो यहाँ का पूरा नज़ारा ही अलग था। बहुत ही ज़्यादा घातक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, यहाँ पे जितना भी घर वर दिख रहा है ना, ये सारा कुछ भी नहीं था, सब बहा के ले गया, सब बहा के ले गया। अभी हम लोग ने केदार बाबा का दर्शन कर लिया, अभी जा रहे हैं श्री भैरव मंदिर, ये रहा रास्ता। तो चलते हैं, काफी ज्यादा गला सूखा हुआ है, भूख भी लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है भाई, बाबा साथ में है, कोई टेंशन नहीं है। हर हर महादेव। यहाँ से सीधा रास्ता स्वर्ग जाता है भाई। और ठंड की बात करें तो भाई एक नंबर, एकदम जबरदस्त ठंड है यहाँ पे। हर हर महादेव। ये देख लो भाई, भीड़ चेक कर लो, कितना ही ज्यादा भीड़, आई नो इतना दूर से नहीं दिखाई दे रहा होगा। ऑलराइट गाइस, तो दर्शन वर्शन हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया, खाना पीना हो गया वहाँ पे, भंडारे का खाना अभी यहाँ पे स्क्रीन में देख लो, भंडारे का खाना अभी हम लोगों को खाया, बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। और यहाँ पे देख लो फॉग इतना अच्छा खतरनाक तरीके से मूव हो रहा है, वहाँ का पीछे का जो व्हाइट बादल हम लोग को दिख रहा था, व्हाइट चादरों में स्नो दिख रहा था, वो सब कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आगे रास्ते में बारिश होगा। और ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग 2 दिन से रुके थे। अमन भाई चले,
चलो चलो भाई उधर कहाँ जा रहे हो, इधर से जाना है तो निकलते हैं यहाँ से। गाइस कितना ज्यादा फॉग चल रहा है, बाप रे बाप, खतरनाक है ना भाई, खतरनाक चल रहा है ना। मन कर रहा है दो दिन रहे ना, मन कर रहा है अभी और दो चार दिन रहे, लेकिन क्या करें, और ट्रिप को भी खत्म करना है, और भी जगह जाना है हम लोगों को। ये देख रहे हो ग्लव्स को कहाँ डाल लिया है हम, बाप रे बाप, आगे का वेदर चेक कर भाई, क्या खतरनाक हो चुका है एकदम, नेक्स्ट लेवल ठंडा होगा, बारिश भी हो सकता है। मंदिर देखो कितना दूर है, एरा मंदिर, लेकिन इन लोग को पहुंचते पहुंचते कम से कम 6 घंटे लगेंगे अभी। वो देख लो वहाँ पे केदारनाथ बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और 2013 में तो जो आदबा आया था वो उस आदबा ने नहीं, पूरा आपको जितना दिख रहा है ना सब बहा के ले गया था। मेरे को जितना ऑब्जर्वेशन हुआ ना भाई, ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको यहाँ पे से जो रास्ता बना हुआ है, पहले आई थिंक से 2013 से पहले ये रास्ता था। आदबा के बाद इतना खतरनाक आदबा हुआ, इतना खतरनाक बादल वादल फट के जो पानी आया था ना बार और आया, ये सब बहा के लेके चला गया। और रोड भी वहां से देख रहा हूँ, वहां से रोड तक खत्म हो चुका है, तो अभी नया रोड ये वाला बना हुआ है। मतलब देख लो पूरा टोटल 10 साल का एक ही बार में बता दिया, 2013 से अभी 2023 पूरा 10 साल के बारे में बता रहा हूँ, कैसा है कैसा नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। अब देखते हैं बाबा कब दोबारा बुलाते हैं, अभी निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो आप लोगों को डायरेक्ट ये वाला फुटेज देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा थके हुए थे। 2 बजे वहाँ से, 2:06 में हम वहाँ से निकले हुए थे बाबा का मंदिर का वहाँ से, और जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है ना वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें 7:30 लगभग, हमें 5.5 घंटे लग गए वॉकिंग में, जाने में हमें 13-14 घंटे लगे थे, आने में 5.5 घंटे लगे, और वहाँ से यहाँ आने में लगभग 5 घंटे का रास्ता था, क्योंकि 1.5 घंटा का टैक्सी का ऊपर लाइन लगाना था, वहाँ से टैक्सी से पार्किंग तक आना था, पार्किंग से बाइक लेके ये होटल तक आने में हम लोगों को लगभग 4 घंटे लग गए, 3 घंटा हम लोग वहाँ से, इतना मेहनत करने के बाद भी हमने 3 घंटा बाइक चलाया है, बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। इतना काफ़ी लोग अपना पाप मृत्यु के लिए जाते हैं, भगवान से भेंट करने जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने जाते हैं, अपनी विशेष मांगने जाते हैं, तो होप कि आपका भी जितना विषय, होप कि हमारा भी जितना विषय, आपका भी विषय सारा फुलफिल हो जाए। ये वीडियो अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइट सेफ, दिस इज बॉबी ब्लॉग साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।